हेलो दोस्तों, कैसे? बढ़िया, एक नंबर। तो आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन रियल लाइन पढ़ना है। क्लास 9 का टॉपिक। क्लास 9 के 2 वीडियोस पहले बने हैं, अगर आपने देखे नहीं तो देखने का, उनको देख लीजिए। क्या पढ़ना टॉपिक? रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन? ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैसे होते हैं? आपने मालूम रियल नंबर्स कैसे होते हैं आपको? रियल नंबर्स होते हैं प्लस में होते हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस 4.5 टाइप के, √3, √4.5, √7, माइनस √7, ये सारे नंबर्स, 2.3675, ये सारे नंबर्स, इस टाइप के नंबर और ऐसे भी जो हमने पढ़े रिकरिंग नंबर्स, ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं रियल नंबर्स। इवन जीरो, जीरो भी है, जीरो को भूलना नहीं। जीरो सबसे पुराना दोस्त, सबसे पॉपुलर दोस्त। तो ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। तो सारे रियल नंबर्स में से अब हमको जो रियल लाइन में प्लॉट करने में दिक्कत आती है, वो क्या इसकी दिक्कत आती है? नहीं। क्या इसकी दिक्कत आती है? नहीं। इसकी दिक्कत आती है ना √3 की। तो √3 के लिए हमने, आप वीडियो नंबर 1 देखें, वो स्पायरल वाली मेथड बताई है मैंने आपको। पहले क्या करते हैं आप, स्पायरल वाली मेथड मैं एक झलक फिर से आपको बता देता हूँ कि उसमें एक आप लेते हो यहाँ पे वन वन यूनिट, यहाँ पे लेते हो 1 यूनिट, पाइथागोरस से निकालते हो इसको, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाता है √2। फिर √2 से आप क्या करते हो, एक सर्कल बनाते हो। ये सर्कल जहाँ काटता है उसको क्या कह देते हो आप, √2। फिर एक और आप यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए एक 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हो, फिर इसको ज्वाइन करते हो, फिर यहाँ पाइथागोरस लगाते हो, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाता है √3। ये वीडियो 1 देख लीजिएगा आप, तो ये आपके पास आ जाता है √3। और आगे करेंगे तो √4। √4 तो आपको पता ही है, √4 क्या होता है, 2। तो √4 में तो दिक्कत नहीं है। फिर √5 का भी प्रॉब्लम है आपकी बुक में, भी √5 का प्रॉब्लम है। और √5 का प्रॉब्लम उसके बाद मैंने कराया है। तो √5 के लिए क्या करेंगे, और एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, फिर एक और राइट ट्राइंगल बनाएंगे। वो स्पायरल टेक्निक है, ये टेक्निक स्पायरल टेक्निक थी। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास मान लीजिए कि √4.5 आ जाए, तो 4.5 को कैसे बनाना? तो 4.5 के लिए एक अपने पास सर्कल की टेक्निक है, वो टेक्निक मैं सिखाऊंगा। उससे आप इसको भी बना लोगे और उससे आप इसको भी बना लोगे, तो उससे 2 फायदे होंगे, 2 in 1। वो इसके लिए भी यूजफुल है और इसके लिए भी यूजफुल है। और जो स्पायरल की टेक्निक थी वो इसके लिए यूजफुल है, √3, √5, √7, √11, इन सब नंबर्स के लिए। लेकिन ये जो टेक्निक आपको मैं बताऊंगा वो पॉइंट वालों के लिए भी टेक्निक यूजफुल है और वो इसके लिए भी यूजफुल है, ध्यान दीजिए। तो अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो आपको वो स्पायरल की टेक्निक नहीं भी ध्यान रखना है तो भी आपका काम होगा और अच्छे से होगा। तो अब हम 4.5 का एक दिमाग में आइडिया लेके चलते हैं कि 4.5 को कैसे प्लॉट करना है। तो मैं आपको एक पहले बता दूं कि पहले सबसे पहले एक आप लाइन लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। ये ले ली हमने लाइन 4.5 सेंटीमीटर। आपको मैं डिस्टेंस यहाँ पे लिखते भी जाऊँगा तो आपको कोई दिक्कत की बात रहेगी नहीं। ये आपकी डिस्टेंस हो गई 4.5, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4.5 है। इसमें एक यूनिट और बढ़ा दो आप, तो जब आप एक यूनिट इसमें बढ़ा दोगे तो ये यहाँ पर आ जाओगे तकरीबन आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल हो जाएगा आपके पास 5.5, यहां से लेके यहां तक आपके पास 5.5। अब आप एक काम करो,
5.5 को आधा कर दो, तो 5.5 का हाफ आप यहां निकाल लो, 5.5 का हाफ तो ये 2.75 आएगा। आप निकाल लोगे तो मेरे को मालूम है आपको, तो इसको अभी तो मैं ऐसे जजमेंट बेसिस पे यहां पे लिख देता हूं 2. यहां थोड़ा सा ये 2.25 है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, सारी डिस्टेंसेस नीचे लिखता हूं तो आपको कंफ्यूजन कहीं से लेके कहीं तक नहीं होगा। ये जो डिस्टेंस है ये लिख दी मैंने 2.75, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी दोस्तों, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 2.75 हो जाएगी यहां से लेके यहां तक। अब एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस का भी हिसाब कर लो, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, तो 2.75 कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 1 है, तो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां पे लिख देता हूं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये 2.75 कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, ये आपकी डिस्टेंस है 1 यूनिट, तो ये वाली कितनी हो गई आपकी, ये 1.75 हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.75 हो गई। अब आप इस पॉइंट को सेंटर मान लें, तो सेंटर को नाम दे देते हैं ओ, क्या नाम दे देते हैं ओ। अब यहां से इसको रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ऐसी रेडियस लेके एक सेमी सर्कल, थोड़ा सा सर्कल बिगड़ गया तो ये ऐसा कर दिया इसको, अब थोड़ा शेप में आ गया सर्कल के। आप तो उससे बनाएंगे राउंडर से, तो राउंडर से बनाएंगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो ये सर्कल हो गया आपका। अब यहां से एक 90 डिग्री की लाइन खींच दे, ये 90 डिग्री की लाइन खींच दे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नाम दे दे, इसको नाम दे दे ए, इसको नाम दे दे बी, इसको नाम दे दे पी, इसको नाम दे दे सी, नाम अपनी मर्जी से, इसको सी दे दिया, उसको डी दे दिया, आपकी मर्जी की बात है। ये क्या चीज है, ओ से बी तक क्या है, ओ से बी तक देखो, ये ओ से बी है, ओ से बी है यहां लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की है इसलिए सब में एरो बने, ये यहां तक की है, ये यहां तक की है पूरी, कहां से ये 5.5 यहां से लेके यहां तक है, ये डिस्टेंस 2.75, ये डिस्टेंस 2.75, तो ये भी रेडियस है ना, रेडियस कितनी इसकी, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है यहां से लेके यहां तक 2.75, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस भी 2.75 हो गई, कौन सी वाली ओपी, क्यों क्यों, ये रेडियस है, लिख दिया रेडियस, ये रेडियस है। अब हमारे पास जो अगली बात है वो ये है कि ये जो यहां से यहां तक ए से पी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एक्स मान लीजिए। अब ध्यान से देखो, अब राइट ट्रायंगल लेते हैं हम, कौन सा राइट ट्रायंगल, देखना आप बहुत ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, बहुत यूजफुल है नंबर सिस्टम्स का थर्ड पार्ट, और दोस्तों आपको सब समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, और चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा ताकि आपके दोस्तों तक दूर दूर तक बात पहुंचे और सारे बच्चों को मैथ्स इजी लगे। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कौन से वाले ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल OAP। मैथ्स सरल लगेगा तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, हमको दोस्तों की सबकी मदद करना है, और मदद करने का यही तरीका है कि उनको इंफॉर्मेशन दी जाए। OA स्क्वायर क्या है, तो OA देखो आप क्या है, OA आपको ये फिगर में दिख रहा है, OA इज 1.75 स्क्वायर। AP कितना है, AP एक्स है। OP कितना है, O से P तक 2.75। अब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 2.75 का स्क्वायर। आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक नंबर ट्रिक बताऊंगा, आप उसका इस्तेमाल कर लोगे तो आप लाजवाब काम करोगे। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें आपके दोनों पार्ट हो गए, डेरिवेशन टाइप की भी चीज़ हो गई और आपका कंसेप्ट भी सॉलिड हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा 2.75 माइनस 1.75 इंटू 2.75 प्लस 1.75। 2.75 में से 1.75 गया तो 1, 2.75 और 1.75 जुड़ गए तो ये हो जाएगा 4.5। ये आ गया आपका 4.5, एक्स स्क्वायर 4.5 है तो x इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 4.5, प्लस माइनस नहीं ओनली प्लस, क्योंकि डिस्टेंस है ना ये, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये आ गया ना रूट 4.5। तो x क्या चीज है, x है आपका 4.5, 4.5 x। अब आप एक काम करो, अब राउंडर को यहां पे रखो और ये रेडियस लो, और ये रेडियस लेके एक ये राउंडर को यहां पे लो, ऐसे आप डॉटेड सर्कल बना लो, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, ये देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये किसकी रेडियस है, ये न्यू सर्कल की रेडियस है, ये x क्या है डॉटेड सर्कल की रेडियस है, ये 4.5 है, तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, कहां से लेके कहां तक, ये इसको डार्क कर दिया, ये डिस्टेंस b यहां लिख दिया, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस x की वैल्यू कितनी है आपकी, रूट 4.5 है ना, तो ये भी रूट 4.5 होगी, ये रूट 4.5 है यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके कहां तक, यहां बना दूं, ये देखो ये यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, पर हां अब आपको इसको ओरिजिन बोलना पड़ेगा, इसको क्या बोलोगे आप, इसको ओ नहीं, ये जीरो है, ये कौन है आपका, ये जीरो है, यहां पे क्या बनाओगे आप, यहां पे आप जीरो लिखोगे, ये ओ है आपका, ओ कैपिटल ओ, और यहां पर आपका जीरो है, नंबर लाइन का जीरो है, ये नंबर लाइन का जीरो है, तो नंबर लाइन का जीरो है, और जीरो से कितनी डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस आएगी आपकी रूट 4.5। इसके लिए आप देखो, फिर से सुनो, आप आपने जो 4.5 वाली बात बताई थी मैंने आपको, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, कंफ्यूज मत हो, ये ओ जीरो नहीं है, क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने तो एक लाइन बनाई थी, लाइन कहां से कहां तक बनाना थी, मैंने कहा था 4.5 तक की बनाना, फिर उसमें 1 ऐड कर देना तो वो 5.5 की होगी, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा था आपको कि इसको जीरो बोलना है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसको ओ की जगह कुछ बदल भी सकते हो, अब ए को जीरो बोलना पड़ेगा आपको, जीरो शुड बी, मैं लिख देता हूं आपको, मार्क्ड एट द प्लेस ऑफ ए, ए की जगह पे क्या लिखना है आपको, यहां पे जीरो लिखना है, जीरो मींस 0 1 2 3 4 लाइक दिस, तो ये जीरो हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका अंदाज से, ये तो 1 बोल दिया ये क्योंकि डिस्टेंस 1 है, वो तो दूर आएगा पॉइंट, पर इस तरीके से आप क्या बना सकेंगे, रूट 4.5 को ड्रॉ कर पाएंगे। अब ये रूट 4.5 को ड्रॉ कर दिया, अब मैं आपको रूट 5 को ड्रॉ करने की, ये तो पॉइंट वाला ड्रॉइंग हो गया, अब अगर 5 को ड्रॉ करना है तो वो और आसान है, रूट 5 को कैसे करेंगे, तो आपको एक बार और कंसेप्ट सीखने को मिल जाएगा, आप बिल्कुल आसान रहो, आसानी से समझ लोगे, और इसका फिगर भी मैं इधर बना देता हूं, देखो आपको ड्रॉ करना है रूट 5, तो फिर मैंने क्या बताया आपको, रूट 5 को ड्रॉ करना ना, तो रूट 5 को ड्रॉ करने के लिए पहले 5 सेंटीमीटर या जो भी आप यूनिट लो उसका एक
लाइन बनाओ, फिर उसमें एक जोड़ो। अगर आप उसमें एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैं आपकी मार्किंग अच्छी कर देता हूं, 1 थोड़ा ज्यादा लिख दिया, यहां तक होगा, यहां तक। ये आपने ये लाइन को जोड़ दी, लाइन को बढ़ा दिया यहां से। अच्छा, यहां लाइन ऊपर बना देते हैं। ये लाइन हो गई आपकी, ये 5 यूनिट है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और ये उसके बाद 1 है। टोटल कितना हो गया, ये टोटल यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, एक बार और समझ लो। अब आप इतना टाइम भी नहीं लगेगा, टोटल हो गया 6 यूनिट्स। अब टोटल 6 से इसके 2 भाग कर दिए यहां पे, इसको 3 और इसको भी क्या बोल देंगे, 3। आप ध्यान से सुनो, ये वाला पोर्स इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये यहां से लेके यहां तक कितना है, 1 यूनिट है। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 2 यूनिट। इसको मैंने क्या बोला था वहां पे, ओ बोला था, पर ये 0 नहीं है, 0 इसके आगे बनेगा। ये यहां पे इस पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वो अभी बाद में समझते हैं। ओ पॉइंट को लेके, ओ पॉइंट को लेके ये रेडियस बना दें, इसको सेंटर मान के, कितनी रेडियस का, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 यूनिट से, ये 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का आप सर्कल बनाएंगे, तो नेचुरली ये सर्कल ऐसे ही जाएगा। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, फिर कोई बात नहीं, बना देते, ये बना दिया। अब यहां से क्या करो, सॉरी, यहां से एक 90 डिग्री की लाइन बनाओ, 90 डिग्री की लाइन बनाओ, इसको नाम दे दो x। ये क्या चीज है, ये भी रेडियस है, इसको o कहा था, इसको a कहा था, और इसको क्या कहा था, p, इसको p कहा था तो p कह दो, इसको b कहा तो b कह दो, उसको c कहा था तो c कह दो, जो मर्जी आए वो कह दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्टेंस भी रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो ये 3 है, तो ये भी 3 होगी। फिगर एकदम सिमेट्रिकल नहीं होगा तो माइंड नहीं करे इसको। और ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये देख लो, ये डिस्टेंस है 2 की, 2 यूनिट की, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है। तो फिर पाइथागोरस लगाओगे, तो पाइथागोरस क्या कहेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कितना है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन था, रूट 5 का, है ना, रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन है, रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन है। और ये राइट ट्राइंगल कौन सा लिया वो लिख दो, राइट ट्राइंगल ओ ए पी। ओ ए स्क्वायर कितना है, ओ ए देखो, ओ ए 2 स्क्वायर, ए पी कितना है, एक्स स्क्वायर, ओ पी कितना है, 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, ये सी यहां लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो, 9 माइनस 2 स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर 5, एक्स की वैल्यू कितनी, रूट 5। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस रूट 5 है। अब इसको क्या बोलना है, इसको 0 बोलना, 0, ये ओ है वो 0 है, और इसको रेडियस मान के एक नया सर्कल बनाना है। तो जो ये नया सर्कल है, ये जो डिस्टेंस आएगी, नई वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, रूट 5 होगी। क्या होगी, ये रूट 5 होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको ज्योमेट्रिकली पिक्चराइज कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपने इस उसमें वीडियो में समझा कि आप रूट 3.5 को, रूट 4.5 को, रूट 7.3 को, रूट 6.2 को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और रूट 3 को भी कर सकते हो, रूट 5 को भी कर सकते हो, रूट 7, रूट का कुछ भी नंबर हो इससे कर सकते हो आप। तो आपको स्पाइरल की टेक्निक ध्यान रखना हो, सो फार सो गुड, नहीं ध्यान रखना हो तो भी आप इससे आप अपना काम कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है इस तरीके की टेक्निक, हमने उसी टेक्निक पे काम किया है। और आप दोस्तों को बताएं कि ऐसी टेक्निक सर ने समझाई है,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और इसको मैसेज को दूर दूर तक फैलाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।